अस्सलाम वालेकुम और सबको नमस्कार। आज जो नरेंद्र मोदी जी स्टडी सेंटर ने हम सबको इनविटेशन उनके बर्थडे के ऊपर दिया है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से हम सब के तरफ से मुबारकबादी है। और उसके साथ साथ जो उनकी माँ जो हीरा बहन ने हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं एक विलेज के एक कोने में अहमदाबाद गुजरात में उनको जो जन्म दिया उनके जन्म देने पर भी उनको मुबारकबादी हो, जबकि वो सोचे नहीं थे कि उनके बेटे देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की कुछ बातों ने हमारे दिल को हिलाया है और हमारे दिल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किए हैं। बहुत सारे देश में प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनके लेवल में उन्होंने काम किया है, मगर जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किया है वो हजारों साल तक रोशन रहेगा। और चांद पर चंद्रयान को पहुंचाने तक क्यों ना हो और सबके साथ सबके विकास का नारा क्यों ना हो, भले अपोज वाले हजारों बातें करते रहे, मगर सोच जो होती है सबके साथ सबके विकास, जो यहाँ पर जितने भी गेस्ट बैठे हैं और आप सबको और सारे देश को मैं यहाँ से यही आवाज देना चाहती हूँ, जो लोग सबके साथ सबका विकास रखना चाहते हैं उनको चाहिए कि हम सब एक भारतीय बनकर इंसाफ के साथ रहे, सच्चाई के साथ रहे और अच्छाई के साथ रहे, और जात और जमात के साथ नहीं बल्कि जो अच्छा काम होता है हम उसकी तारीफ करने के साथ रहे। तो उसके साथ साथ हम अपने देश के प्रधानमंत्री को वापिस हजारों बार मुबारकबादी पेश करते हुए और उनके जन्मदिन को ऊपर वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके उम्र को दराज करे और देश के बहुत सारे काम करने के मौके दे। उसके साथ साथ उनकी और एक बात भी बहुत मेरे दिल को छू गई थी। मैं एक ट्रैवल में थी, उस वक्त में मुझे मैसेज आया कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के माँ का देहांत हो गया है और उनकी माँ दुनिया से चली गई है। मैं मीडिया में देख रही थी, चैनल में देख रही थी वगैरह सब कुछ भी, तो मैंने सोचा कि देश के प्राइम मिनिस्टर की माँ का इंतकाल हुआ है, मैंने सोचा कि बहुत सारी मिलिट्री होगी, बहुत सारी आर्मी होगी, बहुत सारी पब्लिक होगी, शायद लोगों ने इस बात को ध्यान दिया है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैंने इस बात पे ध्यान दिया और गौर किया। मैंने सोचा कि बहुत सारी लंबी पब्लिक होगी, पूरे लोग आएंगे, पूरा देश आएगा, पूरे चीफ मिनिस्टर आएंगे, पूरे इंडिया के मिनिस्टर जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर जाएंगे, बहुत सारा हंगामा होगा, मजमा होगा। मगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की जो सोच थी वो बहुत अच्छी सोच थी। जब उनका पर्सनल लेवल आता है तो उन्होंने कहीं भी जो है पब्लिक मनी को यूज नहीं किया और पब्लिक मनी को खर्च नहीं किया और खर्च होने से उन्होंने बचाया। और मैंने देखा कि उस वक्त जब देखते हैं तो उनकी माँ का जब देहांत हुआ है और आखिर वक्त में उनके जो आखिर के वो जो ये होते ही वो इतनी सादगी से थे, जो बहुत कम लोग बहुत सादगी से वो साथ में गए और उसी दिन उनका पूरा वो जो अंतम संस्कार था, जो भी थे रस्म और रिवाज, वो सब कुछ उन्होंने कर दिया और आकर मीटिंग में शिरकत कर लिए। और ये मैं न्यूज में देख रही थी तो मैंने ये किसी को आज तक शायद मैं किसी को अपने आस पास वालों को भी ये बात नहीं बताई, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ बातें बोलते हैं तो लोग कुछ अलग बोलते हैं मगर आज उनका जन्मदिन था तो मेरे दिल में ये बात रही नहीं गई कि मैं उस दिन वो बात को देखी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मुझे लगा कि ये सच में देश का प्रेम करने वाले हैं, ये सच में देश के पैसे को बचाने वाले हैं, ये सच में देश को चाहते हैं, ये सच में खुद की कोई मसलहत नहीं है। अगर दूसरे प्राइम मिनिस्टर होते तो माँ के इसके वक्त में जो है मिलियनों रुपये खर्च करा देते थे, मगर उन्होंने इतनी सादगी से इस चीज को कर दिया कि सीधा फ्लाइट में आए और सुने और ये होते ही वापिस आकर मीटिंग में भी शिरकत कर ली और फिर वापिस जो है मीटिंग में आकर
रिपब्लिक के लिए देश की बात कर रहे ही, ये बहुत ही अच्छा लगा और दिल को छू गए। और दूसरी बात, मन की बात को लेकर बच्चे बच्चे को बात करना कि तुम्हारे मन में क्या है। आज लोग तो अलग अलग बातें बनाते ही बातें करते हैं कि उसने जीत गए, ये पार्टी है, ये पार्टी मुसलमान की मदद है, ये पार्टी माइनॉरिटी की है, ये पार्टी मुस्लिम की है फलाने। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनको और देश को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, पार्टी को और देश के प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक बनाती है और पब्लिक देखती है, पब्लिक सोचती है और पब्लिक के हाथ में ये चीज होती है। इसलिए हम बीच में लड़कर ना मरे इन चीजों को और ना इन चीजों पर ध्यान दे, हम सब ये बनकर चले, इंसाफ के साथ रहे, भले जो भी इंसान इंसाफ करे उसकी बात करे और सच्चाई के साथ रहे। और उनकी बात जो मन की बात करना, किसने, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों के लिए उनकी मन की बात पूछने के लिए टाइम दिया है, वक्त दिया है, पूछा है कि बेटे बताओ तुम्हारे मन में क्या बात है। तो मगर नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों को मन की बात पूछकर उनके दिलों को छू लिया और उनसे पूछा, उनसे बात किया कि तुम्हारे मन की क्या बात है। और भी एक बात मेरे दिल को बहुत छू ली, अभी मैं ये बातें सब मैं कोई किताब में, कोई प्रिपेयर करके पेपर में नहीं लाई हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, मेरे जो दिल में है ये बातें आपके सामने बता रही हूँ। और मैंने देख रही थी, क्योंकि मुझे भी पहले पहले जब सुनते थे अपने लोग कुछ कहते थे तो कुछ बातें सोचने पर मजबूर करते थे, मगर जब प्रैक्टिकल देखा गए तो ऐसे वंडरफुल इंसान, ऐसे वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर आज तक देश में नहीं आए थे ना आएंगे मेरे ख्याल से, जो इस तरह के देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने अगस्त 15 में एक स्पीच दिए और स्पीच देते हुए देश की बात करते रहे, देश की बात करते रहे। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के स्पीचों को जो है मैंने सुना है, मगर देश की बात करते करते हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक बड़ी बात कही थी। मैं सारे देश के महिलाओं को ये बात यहां से मैसेज देना चाहती हूं कि देश में महिलाएं कम नहीं है, 64 करोड़ वुमेन्स हैं देश के अंदर। और उन सारे महिलाओं को कहना चाहती हूं कि उन्होंने एक बात कही कि मैं देश में लखपति दीदीज को बनाना चाहता हूं, उनको बिजनेस वुमेन्स बनाना चाहता हूं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता हूं। कई स्कीम्स को लॉन्च किया है, भले स्कीम्स डेवलपमेंट नहीं हुए, विलेजेस तक नहीं गए, उन महिलाओं तो उन तक नहीं पहुंचे, मगर कई स्कीम्स जो है उन्होंने लॉन्च किए, उनको बिजनेस का लोन क्यों ना हो, फ्री इंटरेस्ट लोन क्यों ना हो, बहुत सारे स्कीम्स को जो है उन्होंने लॉन्च किया, मगर आज तक किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने अगस्त 15 के दिन और उस वहां पर रैंप पे खड़े होकर महिलाओं की सोच नहीं सोची, बल्कि महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि मैं लखपति दीदी को बनाऊंगा। तो ये बात तो मेरे दिल को छू गई, उस दिन तो मेरे आंखों में आंसू निकल चुके थे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बात करना है, मगर मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम सबको मिलजुल कर इंसाफ के साथ देश में रहना है, जहाँ इंसाफ होती है हम उसके साथ रहना है। अरे भाई, कोई छोटा गलाटा होता है, छोटी लड़ाई होती है, एग्जाम्पल वहां पर कुछ हो गया, 2-3 लोगों की लड़ाई हो गई और वहां पर मणिपुर में कुछ हो गया, तो पूरे संघ को बुरा कहना ये बड़ी गलत बात है। आप अपने घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं, 4 बच्चों को संभाल नहीं पाते, एक बेटा चोर बनता है, एक बेटा मुफ्ती बनता है, एक बेटा मौलवी बनता है, एक बेटा जो है अच्छा बड़ा समझदार बन जाता है, जब 4 बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, जब किसी कोने में कुछ बात हो जाती है तो हम सारे संघ को बुरा कहते हैं। मगर मैं इसके लिए नहीं बोलना चाहती हूं कि मैं किसी की फेवर कर रही हूं, आप जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करें और सबके लिए इंसाफ से सोचें, अपने ऊपर सोचें सबसे पहले। जब हम 4 बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, वहां कहीं पर एक गुना हो गया तो पूरे लोगों पर उस गुना को थोप दिए, वहां पर कोई एक गलत हो गई, एक ही पार्टी को पकड़कर पूरे लोग वो बोलने लगे। तो इसलिए पार्टियों पर मत जाओ, पॉलिटिकल पार्टियों पर मत जाओ, इंसानियत को सोचो और इंसानियत के ऊपर बात करो। हम भारतीय हैं, हम देशवासी हैं, जहां अच्छी बात होती है, जहां इंसाफ की बात होती है, तो जरूर उनके सपोर्ट में बात करो। वो सपोर्ट में बात करने के लिए कभी भी मत डरो, कुछ नहीं होगा, आप सबके साथ रहो। और मैं फिर से मुबारकबादी पेश करती हूं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, और उनकी हयात ऊपर वाला लंबी दे और उन्होंने देश के लिए और भी बहुत ज्यादा काम करें और अच्छे काम करें, और देश के लोगों के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश के स्कूल्स के लिए, देश के महिलाओं के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए, सबके लिए और भी ज्यादा बड़ा काम करें। और मैं दुआओं के साथ जो है मैं इस बात को खत्म करती हूँ, और शुक्रिया मुझे इसका मौका देने के लिए, इस जन्मदिन पर इन्विटेशन देने के लिए, और मैं यहाँ पर खड़े होकर बात करने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ।